हेडशेट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, एक मेरे पास एक सैमसंग का लैपटॉप आया है रिपेयर के लिए, उसका स्क्रीन में प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो स्क्रीन का जो प्रॉब्लम होता है वो हर किसी लैपटॉप में नहीं आता, क्योंकि वो कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? चलो फिर देखते हैं। ये देखिए, ओके देखिए, अभी ये इस लैपटॉप का स्क्रीन है, तो पहले तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है? अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, ये स्क्रीन जो है ये ब्लिंक कर रहा है। देखिए ये स्क्रीन जो है वो ब्लिंक हो रहा है। ओके, तो अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, क्योंकि ये ब्लिंक हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर ये ऐसा प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा था, हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्ले केबल है उसको निकाल के क्लीन करके वापस से लगा के देख सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात कि अब ये जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन है। ठीक है, और जूम करेंगे। ये अभी भी ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, और अच्छे से मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, सॉरी कैमरा सेटिंग के लिए, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लो। देखिए ये जो केबल आपको दिख रहा है, ये एलईडी स्ट्रिप का केबल होता है, जो ये स्ट्रिप ऐसे होके जाती है, ये जो है ना, ये साइड से पूरा एंड तक, ओके यहाँ से, ओके यहाँ से एंड तक वो स्ट्रिप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप हम निकाल लेते हैं, ओके। ये मैंने स्ट्रिप निकाल लिया, ठीक है। तो अभी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो आपको कैसे चेक करना है, दिख रहा है, क्योंकि बैकलाइट जो है, ये जो ऊपर वाला एलईडी, पिछले वाला एलईडी है वो काम कर रहा है। अगर आप देख रहे हैं, देखिए अब ये जो स्क्रीन है, ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम है मैंने आपको वो दिखा दिया है, ठीक
ठीक है, लेकिन अब इसमें जो आपका प्रॉब्लम है, मतलब जो एलईडी जो स्ट्रिप है वो जो फ्लिकरिंग कर रही है, एक्चुअली मैंने आपको जैसे कहा कि उसका स्ट्रिप में एलईडी जो उसका स्ट्रिप है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ये आपका एलईडी ड्राइवर चिप होता है, ठीक है, और ये एक कॉयल है, यहाँ पे डायोड है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस चिप, ये जो चिप है, इस चिप को आपको थोड़ा सा हीट करना है आपके हॉट एयर गन या असेंबली रिवर्क स्टेशन से, थोड़ा सा इसको हीट करना है बहुत ही नॉर्मली। तो चलो फिर इसे थोड़ा सा हीट करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्प्ले अपना सही तरीके से आया है या नहीं। देखिए यार, मैंने हॉट एयर गन जो है शुरू कर दिया है। तो अभी इसको 5-10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही रख देता हूँ। तो अभी इसे अच्छे से चिपका देता हूँ। देखते हैं फिर डिस्प्ले आता है या नहीं। करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो जो है वो मिलते रहे। तो देखते रहिए हेडशुट फिल्म्स। थैंक यू।